सो हैवी को सो अच्छे भाई कैसे सारे होप्स से सारे बड़े अंगन एकदम बना दिए थे बड़े सो फॉर आज के हम लोग एक और एक्शन साथ वापस और आज हम ट्रैक करने वाले एमसी स्टैन के नए गाने पे भाई फाइनली भाई बहुत ज्यादा महीनों तक हमको वेट कराने के बाद आज गाना है ठीक है। पर जो भी जैसा भी यार म्यूजिक वीडियो आ चुका है तो आई एम एक्साइटेड भाई ठीक है, भरपाई कर देता है कहीं ना कहीं से एंड 11 गाना को गाना डाला है तो पॉजिटिव टाइम है ठीक है। बहुत ज्यादा क्योंकि बहुत लोग के अलग अलग बिलीव्स होते हैं ठीक है, कोई लोग बोलते हैं स्पिरिट्स बहुत ज्यादा एक्टिव होती है इस टाइम पे एंड कोई लोग बोलते हैं कि भाई एंजल नंबर होता है और अपने जैसे कि इसके बारे में लिखा हुआ दिखाया कि भाई इसलिए लिखा है गॉड्स फेवरेट चाइल्ड तो कहीं ना कहीं से वो एंजल से कनेक्ट होता ही है तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड है ठीक है। वो सब चीजें सोच समझ के करता है एंड बहुत कम लोग जान पाते इसके काम को, जो जानते वो मानते हैं भाई दैट्स द सीन ठीक है। सो उससे पहले गाना बहुत ज्यादा बड़ा ठीक है, सीधा ब्रेकडाउन करते हैं, सीधा बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में अपन। उससे पहले बहुत ज्यादा क्लोज है 25K सब्सक्राइबर्स के तो करवाओ यार नीचे जाके सब्सक्राइब करो ठीक है, उसको तोड़ो। ये लाल वाला बटन जिसने टी शर्ट पहने उस कलर का एक बटन दिख रहा है उसको तोड़ो, लात वात मारो उसको ठीक है, उसको जो भी करना है करो, अभी मैं चालू कर रहा हूँ ठीक है। मिलते हैं अपन अंदर, लेट्स गो। देखो मालूम ना शुरुआत की तरह से होते हैं इधर से फिर बोल रहा दोस्त मेरा मेरे फैंस तेरे शार्प इसलिए कुछ नहीं बोल रहा तू दस इंस्टा पे लाइव जाके नाम ले रहा इसलिए रिप्लाई में गाल खा रहा और गाल दे रहा संग नाम ले रहा फिर चल रहा घर दे रहा ब्रो हमसे सेंड की बात होवे और वो होमीज की बात ना करे ऐसा हो नहीं सकता। और व्हाई आई थिंक कि भाई ये एमसी इन पे शॉर्ट्स क्यों लग रहे हैं मेरे को, क्यों लग रहे हैं भाई क्योंकि इंस्टा पे यू नो बात करके फिर उसको गाली तो सिर्फ अब तक उसको ही पड़ी है ऐसा मेरे को फील होता है। बहुत सारे ऑप्स हैं, मैं देखो एक चीज एक को टारगेट मैं करना भी नहीं चाहता ठीक है, पर जो मेरे को लगा शुरुआत में मैंने तुमको वो बताया क्योंकि फिर ऐसा नहीं हो कि फिर तुम लोग बोलो बायस जा रहा है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, अपन प्योर बताते हैं। और मेन बात तो भाई टैगलाइन चेंज हो गई है क्या, आई जवन टक मित्र मंडल ऐसे होते हैं इधर से मतलब इनकी माँ चोट दे शायद से भाई लोग ऐसा कुछ होता है। दिमाग में दो नाम आ रहे थे बट स्टिल ये इसने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि भाई पहली बात तो इंस्पिरेशन ले रहा तू मुझसे, पहले तो बेसिकली तू मेरे से स्टाइल ही कर रहा है ठीक है, तो लोग तुझे कॉपी ना बोले उस चक्कर में तू बोल देता कि भाई इंस्पिरेशन है मेरा भाई आइडलाइज करता हूँ मैं तेरे को दैट्स मैं तेरे को जा रहा हूँ ठीक है भाई अब क्या बोल सकते हैं ऐसे, तो फिर कल कोई इंस्पिरेशन लेना ही छोड़ देगा ना तो कुछ नहीं बोल सकते उसमें भाई, पर मेरे नाम पे घर चल रहा है दैट्स अ फैक्ट ब्रो। तू बोल रहा इंस्पिरेशन लिया इसलिए जान दे रहा तू वो लड़की के लिए मम्मा जान दे रहा कौन भी फोटो भाई ये तो मेरा फेवरेट साइन है भाई, मैं हर जगह दिखा देता हूँ भाई मतलब साइन समझ रहे हो, पर लड़की की बातें कर रहा तो मेन वो एमसी इनसे नहीं करता है यू नो डीप बातें करता है जो पुरानी उसकी एक्स थी उसके बारे में बातें करता है तो दैट्स द सीन भाई मेरे को ऐसा लगता है। उसके पीछे जान दे रहा है तू वो मत दे भाई काम कर सिकंदर कालो थे भाई उनकी बातें सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। दूसरे भाई ये है भाई क्या बोल रहे हो भाई इसकी माँ की चूत में पैर है मेरा क्यों व्हाई मैं स्टोरी नहीं डालता स्टिल मेरे नाम पे रोज न्यूज बनती, मैं कंट्रोवर्सी कर ही नहीं रहा स्टिल लोगों को पता है मेरे नाम पे व्यूज आते तो वो लोग रोज करते हैं भाई वो खुद कंट्रोवर्सी बनाते हैं मैं हूं ही नहीं। कौन सा काम करती भाई ये कौन सा काम हो रहा है घर पे भाई मुझे भी देखना है प्लीज भाई प्लीज भाई ऐसा करोगे भाई के साथ एक बार इनको खाली बाजू में बैठ के देखते हैं भाई क्या काम हो रहा है प्लीज
क्या बोल रहा है लोड़े जल्दी शाना बन ए शिमड़े बच्चे लोग को जल्दी शाना बन देखो तुम क्या आई थी मेरे साथ में गाना कर गाना कर गो मालूम किधर छुपा लेने काला धन माल बन माल बन रॉय इसको शाना कर ए भाई पाओ इसको जल्दी शाना कर अगर मरने का है देखो तो फिर ज्यादा कर ये दो नंबर के काम छोड़ और मेरे साथ में काम कर ए जाटे च शाना बन लगा बन तेरी बहन को तू मामा बन मामा बन गाड़े सोने धोखा करती तेरी बहन को तू मामा बन What does it mean, भाई? कि तेरी बहन को ला मेरे पास और तू मामा बन? I don't know, भाई. मैं शायद बहुत ज़्यादा nasty चला गया हूँ इसकी बातें सुन के. But जो भी है मेरे को बता देना उसका मतलब. लाइफ लेसन ब्रो अगर अच्छी लड़की देती तो भाई उससे शादी कर यार फेक शिट मत कर इधर शादी कर न्यूज़ बन रखा है लेकिन मेरी मादी पर ओवर से चले दिन रात मेरी मादी पर तू लाला ओनर बग एक दूसरी पालगन ले आई जाऊं तो हां माजा मैनेजर मेरे को पहले से नहीं भरोसा था वाड़े पर नहीं करता मैं भाई कभी केमिकल देखो बिना टोपी के बने रो नहीं करता मैं कभी केमिकल भाई ये शायद एम सी इंसन की बातें थी कि भाई यू नो ऐसे मुंह में ब्लेड डाल के बैठ रहते हैं एंड केमिकल करते रहते फूंकते रहते कुछ भी तो भाई मैं नहीं करता कभी केमिकल भाई क्लियर कर रहा हूँ भाई मैं थिंग्स रुक जाओ भाई तू होल्ड ऑन कर भाई मैं बना रहा हूँ ना तेरे लिए गाना आराम से बिना तेरे नाम लिए भाई बिना टोपी के बनाएगा डांसर हाय भाई आराम से यार डांसर तो वही है ठीक है क्लियर है वो बेला ने भी बहुत सारी चीजें बोली थी बट यू नो अपन एक बंदे को पकड़ नहीं सकते यहाँ पे तो न्यूट्रल रहते भाई एग्जैक्टली भाई वो भी अपन नहीं बोल सकते क्योंकि एमसीटीएचसी का मैं कितना सारा एमसी इंसन का मैं कितना सारा मालूम नहीं है बट जब इनका लफड़ा हुआ था तो एमसीटीएचसी का मैं देखा था उनके हुड की जैसे बातें कर रहा है कि मेरे को देख के यू नो सब इंस्पिरेशन ले रहे हुड में सब रैपर्स बनना चाहते हैं जब लाइव आए थे एमसीटीएचसी का ग्रुप था वो लोग भी बाइक पे घूम रहे थे तो यू नो आई थिंक इज कनेक्टेड आउट है भाई अगर मरने का है तेको तो फिर याद कर ए दो नंबर के काम छोड़ मेरे साथ में काम कर मालूम की दर से क्या के दर से नहीं घर पे सेम बीच वैसे के वैसा लैंड के बाल फक यू साइन मच घर पे जा बिचाम बे ओ क्या बोल दी कंपनी आ गए ले गणपति मेरी पब्लिक फुल ये ना आ रे बिचू मा होमी सनसनी सब मर गए ले हमने खंडनी मोटो ऑफ द सॉन्ग इज भाई अपना काम से काम रखो शाना मत बन मेरे सामने भाई इतना बड़ा गाना बनाने का मतलब ही वो था समझ रहे हो तुम एंड आर आई पी टू माई होमीज तो भाई सही बात है भाई अकेला निकला था भाई अकेला काम कर रहा है और तुम देख लो भाई अकेला काम करने वाले कहाँ कहाँ तक पहुँचते तो भाई खुद का भरोसा रखो दूसरों पर भरोसा मत रखो ये मैं रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा सीख रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में अपने भी एंड रिलेटेबल सॉन्ग मतलब यार रिलेटेबल एक बहुत छोटी सी शब्द हो जाती है ठीक है इट इज़ अ लाइफ लेसन भाई वी कैन से अपने अपने से छोटी उम्र में वो इतना सब कुछ बोल के जा रहा है तो भाई कहीं ना कहीं पे तुमको काम आएगा ठीक है वो एक एक लाइन
बहुत सही भाई, बहुत सही। बस प्रॉपर तो मैं मतलब बता रही कि सक्सेस का, कि भाई तुम एक टाइम पे तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तब तुम काम नहीं भी करोगे तो भी तुम्हारे ऊपर लोग कंट्रोवर्सी करने आ ही जाएंगे, ठीक है। तुम स्टोरी नहीं भी लगाओगे तो भी यू नो लोग कंट्रोवर्सी कर देंगे, तुम्हारे नाम पे व्यूज छापेंगे। सो गेट यूज टू इट भाई, ठीक है। एंड फेक शिट में मत पढ़ो, लड़की उड़की के पीछे मत भागो भाई, दैट्स द सीन अभी, ठीक है। समझ गए भाई, ये चीज़ें मैं इनसे बहुत जल्दी समझ गया था, अभी तुम भी समझो और ये रिएक्शन वीडियो को लाइक मारो, ठीक है। देखो कैसे कनेक्ट कर देता हूँ मैं अभी, तो बस सब्सक्राइब करो और मुझे बताओ तुम्हारे ओपिनियंस, जो भी मुझसे अगर तुमको लगता है कोई कॉन्सेप्ट मिस हो गया है, कुछ भी जो भी एलिमेंट्स लगते हैं मुझे मिस हो गया, मेरे को बताओ यार नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी मतलब तुमसे किसी और ऐसी रिएक्शन में, तो स्टे सेफ, वेयर मास्क, टेक केयर एंड टाटा।